सो हेलो दोस्तों, नो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज ब्लॉगिफाई मी। सो यू एवरीवन, दिस इज आयुष्मान सोनी फ्रॉम ब्लॉगिफाई मी। सो अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था 200 जिस दिन हो गए ना उसके उसी दिन हम लोग मेकिंग ऑफ चिकन चैलेंज वो अपलोड करेंगे। मैंने एक्चुअली सोचा था 3-4 हफ्ते लगेंगे, आराम से खाऊंगा पीऊंगा सो जाऊंगा चिल करूंगा, बट आई नो इफ नो बट चुप कर, बट हमारे सब्सक्राइबर्स ने 2 हफ्ते के अंदर ही कर दिया। शायद उन्होंने सोचा होगा कि तू आराम करेगा, हमें इतना टॉर्चर करने के बाद तू आराम करेगा कैसा? चल वीडियो बना, तुरंत तुरंत वीडियो बना। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेकिंग ऑफ चिकन चैलेंज वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आए। चिकन चुनौती की शुरुआत करते हैं। अच्छा, कई बार पता है ना कि अगर आपने डायनेमिकली कुछ सोचा तो कहाँ करें उसको समझ में ही नहीं आता है। मतलब आपके पास प्लान है, एग्जीक्यूशन नहीं है। देखिए अच्छा एक राज की बात, मेरे को डांस करते ही नहीं आता है, सिर्फ ये एक ऐसी चीज है लड़के के अंदर, बाकी कुछ कोई बोल दे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़का परफॉर्म कर देगा। भाई क्या बात करते हैं, बस डांस एक ऐसी चीज है। हैव अ लुक, म्यूजिक। लेट्स हैव अ फर्स्ट फाइट। मन में आपकी कितनी सारी चीजें चल रही होती है जब आपने कोई पहली बार कोई डिश बनाई होती है, यू आर लाइक यार कैसा होगा, मतलब टेस्टी होगा, अच्छा होगा, बुरा लगेगा, अगली बार भी खाऊंगा क्या, दूसरे को बताऊंगा क्या। बट अगर वो पहली बार का बाइट टूटे ही नहीं तो, और ऊपर से वो कैमरा में हो रहा है, और ज्यादा एम्बैरेसिंग। One eternity later. आप लोगों को पता है छोटे भाई बहन ना ब्लेसिंग होती है, मगर हर बार नहीं होते हैं। नहीं कुछ भी तो ना ज्यादा मत बोलो जी, राक्षस है। तुमने दालचीनी ज्यादा नहीं डाली? क्यों, उसकी भी महकारी ना, मुंह में पड़ गया वो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बंद कर दे। कभी कभी तो लगता है मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा थक गए यार, है क्या मम्मा? और कुछ बोल रहे थे आप करने के लिए क्या इसमें? देखो इसके बाद चिकन डालना है और फिर उसके बाद मसाला, पहले कलर मिर्ची डालना। ज्यादा दांत ना फाड़ो। वैसे वीडियो को जो शूट किया उसमें कुछ कन्फेशन भी तो जरूरी है। हेलो, हे यो एवरीवन, चिकन बन रहा है और आप लोगों ने शायद देखा होगा कितना सही टेस्टी से बन रहा है वो। मेरे को उसने बताया भी नहीं था कि उसमें नमक है या नहीं, जब उसने वो टेस्ट कराया तो बोला नमक कैसा है, बोला अच्छा ऐसा ही है, तो बोला मैंने नमक डाला भी नहीं था तो उसको समझ ही, मेरे वाला फिर भी सही था। आ रहे नहीं? अच्छा सुनो, हम लोग कौन सी वाली बात कर रहे थे, वो आयरनी वाली? हम लोग ना चिकन बनाते टाइम से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात कर रहे थे। मतलब मैं वही सोच रही थी कि हम लोगों को ना और ऐसे अजय देवगन टाइप के लोगों की जरूरत है, जैसे वो काल में रोल था उसका, सही कर रहा था बंदा यार, जिस तरह के लोग हो रहे हैं। A few moments later. तेज झंझनाहट। एक चीज हो गई थी उस दिन ना, मेरे को याद है कि फ्रूटी ने एक बाइट लिया था, ओके उसने क्या कुल्फी खाई थी, और भाई उसके बाद जो उसकी हालत हुई 1 घंटे वो पकड़ के अपने दांतों को बैठी हुई थी। आवा लुक, तेज झंझनाहट, दर्द हो तो इसे सेंसिटिविटी के लक्षण कहते हैं। क्या आपको सेंसिटिविटी है? कितनी ज्यादा है? इतनी ज्यादा कि कैमरे में भी नहीं आती आप। एक सेकेंड, वो टाइम लैप्स में नहीं चल रहा है बेटा, मेरे पास है भी नहीं टाइम। है क्या? हाँ तुमको ही नहीं पता, बंद करो यहाँ से। अच्छा हाँ, एक भाई है मेरा, ये कमेंट वाला, सबका नाम लिया मेरा नाम नहीं लिया। ए भाई यार तेरा नाम लिया यार, कैसी बात करता है, वो एडिटिंग में कट गया था, माफ करना इधर उधर गलती से निकल जाता हूँ, बट लिया था
वैसे क्या बोल रही थी तू? घर वालों में से कौन कौन खाता है? आदि, आराध्या, जिया जी, पिंका दीदी, मनीष भैया, अमोल दीदी खाते, मनीष भैया, पिंका दीदी। यह एक पब्लिसिटी स्टंट है, इसे घर में ना दोहराए, दोहराते हो तो अपना खुद ही देखे, हमारे पास शिकायत ना करें, ये हमसे सीख के गए हुआ। खुश रहिए, सतर्क रहिए और अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप झेलिए। नेक्स्ट मील इसके बाद आएगा, दो एक घंटे बाद, दो घंटे बाद है ना? अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 2:30। इसके बाद अभी देखो 4 बजे तक करते हैं उसको। माय थग लाइफ। लोग बोलते हैं कि भाई तू किससे इंस्पायर होता है यार, इतनी थग लाइफ वाला कोई बोलता नहीं है वैसे। खैर कभी तो बोलेंगे यार, तो किससे? मैं अपनी मम्मी से होके आया हूँ। देखो अभी मम ने फोन से अगर रियल टाइम बता कट जा तू बता के देख, वो वैसे भी कट जाएगा। The time is... अच्छा देखो, गलतियां इंसान से ही होती है, बस ट्राई करना कि खड़ा ना भर जाए गलतियों का, नहीं तो ड्रम बहुत महंगा है। बहुत बढ़िया, ये जो बंदा है बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया बोलता है, ये इतना भयानक झूठ बोलता है ना राक्षस। बहुत बढ़िया था खाना यार, मजा ही आ गया। ये चेट्टीनाड चिकन ना बहुत टेस्टी, जो हमने 2 बजे खाया है ना बहुत ही ज्यादा था टेस्टी, वो मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते यार आप लोग, क्या बिलीव करो मतलब को लगता है ये ज्यादा बेटर है। माफी नहीं, टिकटॉक से कुछ सीखो बेटा, उन्हें क्या चाहिए? रिस्पेक्ट और प्यार और इज्जत, रिस्पेक्ट वही होता शायद, और पैसा, पैसा, ओनर्स, स्पॉन्सर्स, मिठाई के डब्बे, 200 वाले सही सही यार, इसमें हम टिकटॉक वाले को जरूर टैग करेंगे। खैर हमारी एक रिलेटिव है, ओके, उसका मतलब वो मेरी बुआ लगती है, बट एज अ फ्रेंड है वो ज्यादा। सो उसका बर्थडे था, तो ट्राई किए थे, देखो थोड़ा हंसाने वसाने की पता नहीं, हंस लो, और अगर हंसना ना थोड़ा बहुत स्माइल स्माइल आए तो शेयर कर देना। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन वैशाली? क्या कर रहा है? यार प्रांक कॉल है, तू प्रांक कॉल की तरह एक्ट कर। कौन बोल रहा, पूछ मेरे से। नहीं बताना। नहीं 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 बताना, बता दे यार, यही रखा है ना। जब कुछ नहीं रखा तो फिर क्यों पूछ रही हो? नहीं बताना। एनीवे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बुआ। थैंक यू। हम मुर्गा बना रहे हैं, तुम्हारी रात जरा सी भी नहीं आई। खाएंगे वे? तुम कब से खाने लग गई? आप तो ग्रेवी वाली थी ना। हाँ तू तो ग्रेवी वाली थी, तू कब से? तेरा कब? नहीं बहुत मजाक उड़ा है ना, इसलिए इतना पता है। ब्रो ये ब्लॉग के लिए ही चल रहा है, और तू भी ब्लॉग के लिए मुर्गा बन रही है। बताया अभी तुम, तुम मुर्गा बताते नहीं है ना बुआ, सामने देखिए कैमरा दिख रहा होगा। कैमरे में हाथ ला दीजिए।
मम्मी हम लोगों को ब्लॉग देख रही थी। उनका बढ़िया है यार, वही मेरे को लगता है मेरे सबसे ज्यादा ब्लॉग देख, एक को छोड़, बाकी सब तो एक बार देख लिए। कौन सा वाला? एक को छोड़ के वो छोड़ो। कौन सा वाला बता बता? कौन सा वाला नहीं, कौन जो और भी देखता है, अब उसको छोड़ते हैं। बाकी एक और बात है, सो हम उसके बारे में बिल्कुल अभी नहीं बात करते। सो ब्लशिंग ब्लशिंग शकल देखो, शकल शकल है, चिकन अच्छा पक रहा है, बकरा भी। खैर ये सब सच्ची बातों को दूर करते हैं। हाउ डज अ पिग डू? ओइंक। हाउ डज मूली के पराठे डू? यार डिस्गस्टिंग आदमी। व्हाटएवर। हाँ तो भाइयों क्या बात है, ही इज योर ब्रदर? नहीं, और लास्ट में बस इतना ही देख लिया ना, यही होता है बस मेकिंग ऑफ चिकन चैलेंज। खैर आई होप सो आप लोगों को मजा आया हो, अगर मजा आया तो शेयर करिए, लाइक डिसलाइक वो सब आपके ऊपर है, बट शेयर कर दीजिए, गरीब का भला। खैर और इतना चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने के लिए धन्य गिविंग सबका। आई रियली होप सो आप लोग सब सेफ हो घर पे और आराम से रहो, ज्यादा बाहर मत निकलो, जितना जरूरी है प्लीज उतना ही बाहर निकलो प्लीज। लॉकडाउन खत्म हो गया है बट जरूरी है कि हम लोग और इस पे सतर्क रहें। यार देखो बाकी सब एक तरफ और कुछ लॉयल सब्सक्राइबर्स एक तरफ, मतलब वो लोग ना इतने अच्छे हैं, मतलब लोगों ने मेरे को, सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोला ये चैलेंज वो चैलेंज के लिए, इनबॉक्स में भी बोला, आई एम लाइक सो हैप्पी। सब्सक्राइबर, अरे कौन लोग है यार, सब्सक्राइबर कम है मेरे, व्यूज इतने आ गए, कौन है जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहा है, कौन है वो, पता पता लगाओ दया दया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय। आयुष्मान भाव। यार हाथ नहीं पहुंच रहा है, पता नहीं, बंद करो यार।